दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वैप डेरिवेटिव्स के बारे में। स्वैप एक कॉम्प्लेक्स कस्टमाइजेबल डेरिवेटिव है, मतलब एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बड़े बड़े बैंक और कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्वैप अनरेगुलेटेड डेरिवेटिव है और इसका ट्रेडिंग OTC मतलब ओवर द काउंटर होता है। स्वैप की ट्रेडिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड एक्सचेंज नहीं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताते हो। इसमें दो पर्सन जिनके पास दो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो कैश फ्लो को एक्सचेंज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम के लिए होता है, यूजुअली 1 to 2 years के लिए होता है। कैश फ्लो का पेमेंट रेगुलर इंटरवल में होता है, यूजुअली हर 3 month, 6 month और 1 year में। इसमें एक पर्सन उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड एक फिक्स रेट पर पेमेंट करते हैं और दूसरा पर्सन उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड वेरिएबल रेट से पेमेंट करते हैं। स्वैप 5 types के होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, इक्विटी स्वैप, कमोडिटी स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को फिक्स्ड अमाउंट मतलब नोशनल अमाउंट पर फिक्स्ड रेट पर पेमेंट करते हैं, सेकेंड पर्सन उसी फिक्स्ड अमाउंट को वेरिएबल रेट पर पेमेंट करते हैं। दूसरा इक्विटी स्वैप, इसमें एक पर्सन एक फिक्स्ड नोशनल अमाउंट पर वेरिएबल रेट पर पेमेंट करते हैं और सेकेंड पर्सन उसी नोशनल अमाउंट पर बेस्ड किसी इक्विटी इंडेक्स पर बेस्ड रिटर्न का पेमेंट करते हैं। कमोडिटी स्वैप, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी पर बेस्ड होता है, जैसे नेचुरल गैस, ऑयल एक्सेट्रा। इसमें एक पर्सन कमोडिटी के लिए फिक्स प्राइस पर पे करते हैं और दूसरा पर्सन उसी कमोडिटी का करेंट मार्केट प्राइस में पे करते हैं। करेंसी स्वैप, इसमें दो पर्सन दो अलग अलग करेंसी पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ नोशनल अमाउंट का भी एक्सचेंज होता है। लास्ट है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये सबसे अलग स्वैप होता है। सपोज़ कोई बैंक एक्स कोई कंपनी ए को लोन दिए थे और बैंक एक्स को लगता है कि वो कंपनी पूरे लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट हो जाए। ऐसे में बैंक एक्स दूसरे बैंक वाई के पास जाकर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप कर सकते हैं। बैंक वाई कंपनी का रिस्क प्रोफाइल को देख कर बैंक एक्स को प्रीमियम बताएंगे, जो बैंक एक्स को डिफरेंट इंटरवल पर बैंक वाई को देना होगा। तो अगर कंपनी ए लोन अमाउंट रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वही पेमेंट बैंक वाई बैंक एक्स को करेंगे। आई होप आपको स्वैप डेरिवेटिव समझा हो और वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।